राजधानी रायपुर में चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का एक बयान सामने आया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने अपने बयान में लोकसभा चुनाव की घोषणा को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। सोशल मीडिया पर भाजपा प्रत्याशियों के कार्टून को लेकर मंत्री साव ने कहा कि पिछले 5 सालों में किसने राजनीति का स्तर गिराया है, ये सब जनता देख रही है। प्रशासनिक फेरबदल पर कांग्रेस के बयान पर डिप्टी सीएम साव ने कहा कि प्रशासनिक फेरबदल रूटीन के प्रशासनिक काम है। कांग्रेस आज मुद्दा विहीन है, कांग्रेस की टिकट पर कोई प्रत्याशी लड़ने को तैयार नहीं है। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। आज लोकसभा के चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा होना है, जैसा कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। विधानसभा के चुनाव समाप्त होते ही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई थी और लगातार हमारी बैठकें हो रही है और अब विधानसभा के सम्मेलन पार्टी ने प्रारंभ कर दिए हैं। हमारे 11 के 11 प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। निश्चित रूप से हम पूरी तरह से मजबूती से चुनाव के मैदान में हैं। आज कांग्रेस पार्टी के जो हालात हैं वो प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के टिकट पर कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है जनता का मूड देखकर, क्योंकि जनता ने तय कर रखा है 11 की 11 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने के लिए। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने आम जनता के जीवन में जो परिवर्तन लाने का काम किया है, दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है, इसके कारण से आम जनता ने तय कर रखा है तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर सौंपने के लिए। और इसलिए आज कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। हमारे 11 के 11 प्रत्याशी घोषित हो गए हैं और चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट गए हैं।